हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 को हमने लास्ट वीडियो में शुरू कर दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 वीडियो आपके सामने आ चुकी है। आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी जानेंगे जो उससे आगे के पार्ट हैं। इससे पहले हमने ये जान लिया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस के आई होती है, और फिर आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। तो आगे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, दो कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ए प्लस आई बी के रूप में लिखना हमने सीख लिया था, आई की पावर कितनी भी हो जाए उसको सॉल्व करना हमने सीख लिया था, और साथ ही साथ में ये भी जाना था कि कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी आई की वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने कंजुगेट यानी संयुग्मी का गुणा करना भी सीख लिया था। अब कुछ एक क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2-3i का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए या संयुग्मी लिखिए, एक ही बात है। तो सिंपल सी बात है, बस क्या करना है, मान लीजिए आके जेड इजकल टू दे रखा है 2-3i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए हमको। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2-3i। अब इसको इस तरह से लिखा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आई आ रहा है, आई को हटाना है। आई को हटाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 2+3i और उसी से गुणा और उसी से भाग। अब ऊपर तो हो गया बेटा 2+3i, नीचे हो गया आपका a-b a+b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉल्व आउट कर लीजिए। तो 2+3i और नीचे हो गया 4, ये माइनस का 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएंगे 13। तो 2+3i/13, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, के 2-3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज़ द 2+3i/12। क्लियर ये वाली बात, बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। 1/4+3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, सम्मिश्र संख्या 1/4+3i का वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया था कि जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो ये जो है वो रियल पार्ट है और ये जो है वो इमेजनरी पार्ट है, लेकिन ये इस फॉर्म में होना तो चाहिए, ये तो अपॉन में है और अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ा जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहले इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो z इक्वल्स टू 1/4+3i है, हमने बस इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, 4-3i से गुणा और 4-3i से भाग। ऊपर हो गया बेटा 4-3i, नीचे हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 4-3i/16 और 9=25। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एनडीए सीडीएस वाले बच्चे ध्यान देंगे कि ये 3, 4, 5 के सीरीज में आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा 3, 4, 5 के सीरीज में आएगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये 4/25-3/25i ये आपका जेड इक्वल में हो गया, यानी ये जो संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर थी वो एक्चुअली में कौन है, ये है। अब इसका भी क्या चाहिए आपको, रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट वास्तविक भाग चाहिए, तो कौन हो गया 4/25। अगर मैं आपसे इमेजनरी भी पूछ लेता तो आप इमेजनरी पार्ट भी बता देते, कौन होता, -3/25, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने देखा कि लास्ट लेक्चर से आप लोग क्या सीखे थे, उसको कैसे क्वेश्चंस आउट करेंगे, और आज मैं अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से जो मेरा अपना पैटर्न है मैं आपको जोड़ करके दिखाऊंगा कैसे ईश्वर है और कैसे ईश्वर नहीं है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या प्रकृति, क्या पुरुष है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं 1 के बारे में। 1 जो है वो यूनिक नंबर है, इसको इकाई भी कहते हैं, यूनिट के भी कहते हैं। तो इसको अगर मैं बात करूं इसके क्यूब रूट की तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हमने फिलहाल के लिए 1 नहीं माना, हम फाइंड करना चाहते हैं एक्चुअली में आएगा क्या। मान लिया मैंने कि इसका क्यूब रूट जेड है, इसका क्यूब रूट कितना है बेटा, जेड है। क्यूब रूट जेड का मतलब क्या हो गया, इसका 1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या हो गया, जेड हो गया।
दोनों ओर का क्यूब कर देंगे तो जेड क्यू की वैल्यू हो गई 1, यानी जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। ये एक इक्वेशन बन गई जो कि 3 घात की इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके करेंगे हम फैक्टर, और फैक्टर करेंगे तो बच्चे आपके सामने दो बातें निकल के आएंगी। क्या क्या निकल के आएंगी? फैक्टर करने पर एक आएगा जेड माइनस का 1 और एक आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि जेड, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेटा एक तो जेड की वैल्यू आ गई 1, ये लिखा हुआ है, जेड का मतलब क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू एक बार तो आ गई बेटा 1। अब दूसरे यहाँ से ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से इसको सॉल्व करके देखेंगे ज़रा, चलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्व टू 0 है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होते थे, 1 के ऐसे फैक्टर जोड़ करके फिर से 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो कौन करता था, जब कभी गुणनखंड नहीं होते थे तो हम एक बाबा के फॉर्मूले के पास चले जाते थे। वो कौन सा बाबा का फॉर्मूला था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, सबसे बड़ा वाला। तो वहीं से लगाएंगे, z इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मेट में फॉर्मूला होता था। ये a की वैल्यू यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में जब होता था, लगाइए वैल्यू ज़रा। माइनस का b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस के अंडर रूट माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 4 a का वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2 × 1। सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस के अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस के 4 माइनस का 3/2। इस माइनस का रूट माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, आप में से कोई बता सकता है क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ √3i/2, क्योंकि i की ही तो वैल्यू अंडर रूट में माइनस 1 होती है। 3 पर रूट लगा हुआ था, ये रखा, माइनस 1 बचा अंडर रूट में, यानी इस माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × −1। अब इस माइनस 1 और रूट के अंदर माइनस 1 की वैल्यू आई हो गई, यही तो हमने पढ़ा था। आयोटा किसके लिए लिया था? रूट में माइनस 1 की तो वैल्यू आई ली थी, उसकी जगह पर मैंने आई लगा दिया और रूट में 3 आपके सामने रखा हुआ है। क्लियर है वाली बात? तो ये माइनस के 1 प्लस माइनस के √3 आई, ये जेड हो गया। अब प्लस माइनस है, इसका मतलब इसके दो वैल्यूज है। क्या क्या? एक तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस का 1 प्लस √3i/2, और एक हो गया है जेड की वैल्यू माइनस का 1 माइनस के √3i/2। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों ही मान 1 के क्यूब रूट हैं, यानी 1 की पावर 1/3 की वैल्यूज हैं। इसी को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। अब इतनी बड़ी ये वैल्यूज़ को बार बार अगर हम लिखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो जस्ट सिंबल नोटेशन के लिए लिख लिया। ये तो 1 था, यूनिक था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको लिखने में। इसको लिखने के लिए हमने इसको कह दिया ओमेगा, थोड़ा सा डब्लू बनाएंगे लेकिन उस तरह से जो कर्वी होगा, ठीक है, कर्व देते हुए उसको इस तरह से, ठीक है, ओमेगा पढ़ते हैं इसको, ओमेगा OMEGA ओमेगा, और इसको कह दिया ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली देखेंगे यही आएगा, ठीक है। तो एक हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा का स्क्वायर। अब इसमें जो मैं कहना चाह रहा था कि क्या वेद शास्त्र हमारे कहते हैं, वो यही चीज़ है, हैं सभी एक ही 1, सभी एक ही हैं। अब 1 कौन है? सब 1 है, यानी कि वो परमात्मा है। वो कौन है? परमात्मा है। ओमेगा कौन है? ये प्रकृति है। ओमेगा स्क्वायर कौन है? ये पुरुष है। अगर आप इन सबको मिला दोगे तो साहब 0 निकल कर आएगा, कुछ भी नहीं है साहब, चारों तरफ घूमते रहिए, सब कुछ संपूर्ण खत्म। क्लियर है वाली बात? सब कुछ है कौन? ये 1 है, परमात्मा ही है, सब में, प्रकृति में, पुरुष में, आत्मा परमात्मा, सब परमात्मा है। आप इन तीनों चीज़ों को मिला करके देखेंगे तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं है कहीं भी, सब कुछ नॉर्मल है। ये मैथमेटिक्स की परिभाषा में, ये PhD के अंतर्गत हम लोग ये सब करते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे याद रखना है आप लोगों को। तो ये 1 के ही इकाई के ही घनमूल हैं, क्यूब रूट हैं, क्यूब रूट हैं, तो इसका मतलब, क्योंकि तृतीय घात की समीकरण बनेगी, तृतीय घात की समीकरण बनेगी तो उसके 3 मान होने चाहिए। 3 मान कौन कौन से? वो ये हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब आप इनको जब जोड़ते हैं तो ये भी एक नया फॉर्मूला है। अब आपके पास ये 3 नए फॉर्मूले हो गए कि ओमेगा की वैल्यू इतनी होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब देखते हैं इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन इस पर बेटा इस प्रकार से आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि वन माइनस के माइनस का वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू तथा माइनस का वन माइनस के आई रूट थ्री अपॉन टू इकाई के घनमूल हैं, सिद्ध कीजिए। तो ये अभी अभी प्रूफ किया था हमने कि इकाई के घनमूल हैं, उसी तरीके से प्रूफ करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें कि प्रूफ कीजिए ओमेगा क्यू की वैल्यू वन होती है, तो ओमेगा की वैल्यू ये रखिए, ओमेगा क्यूब का आप करेंगे वैल्यू, इसके होल क्यूब निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कितना आएगा, वन आएगा। तो एक तरह से ये भी एक फॉर्मूला है। अब आपके पास दो और नए फॉर्मूले आ गए हैं, ओमेगा क्यू की वैल्यू वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इन दो बातों को याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे करेंगे हम। जेड इक्वल्स टू दे रखा है माइनस का वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू का पावर ट्वेल्व प्लस माइनस का वन माइनस के आई रूट थ्री अपॉन टू की पावर हंड्रेड। इसकी वैल्यू निकालनी है और प्रूफ करना है कि ये जो जेड है वो माइनस के ओमेगा के बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है। जेड इतना है, प्रूफ क्या करना है कि ये सारा सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस के ओमेगा आएगा। डब्लू मत पढ़िएगा बच्चे से, ओमेगा पढ़िएगा बार बार, कुछ शुरुआत में दिक्कत आएगी, आपकी जीभ इसको बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाएगी, लेकिन आप थोड़ी दिनों में बोल पाएंगे। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये रखी ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की पावर 12 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 लिखा हुआ है। बेटा अरे एक बात बताओ, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं इसको क्यूब की फॉर्म में ही लिखने वाला हूँ, ओमेगा क्यू की पावर 4 कह दिया। इसको भी मैं 200 लिखा हुआ है ना, 200, तो इस 200 को भी मैं लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ बेटा, ओमेगा क्यू की पावर कितना करूँ कि 200 के आसपास आ जाए, मेरे ख्याल से 66 पर आ जाएगा। 66 पर आप देखेंगे तो ये 6 18 फिर 6 18 और 1 19, 198 हो गया, 198 हो गया, 200 थे, कितने और बचे, 2 और बचे। क्लियर ये वाली बात। अब ये क्या है, ओमेगा क्यू क्या है बेटा, 1, और 1 की पावर 4 करूँगा तो क्या आएगा, 1। ये कितना है, 1, 1 की पावर 66, 1 इंटू में कौन था ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के ओमेगा। यही आपको प्रूफ करना था, जेड इक्वल टू माइनस के ओमेगा। और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है, और उनका भी क्या है, होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में रखे हुए। तो देखिए वैल्यूज लगाते हैं, दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, क्या क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है। इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज़ करके सॉल्व आउट करते चलेंगे। मैंने प्लस प्लस वालों को लिख लिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख नहीं रहा मैं, वैल्यूज बता देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के ओमेगा और माइनस ओमेगा पहले से, राइट। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर और माइनस के ओमेगा स्क्वायर पहले से का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको भी, तो ये हो गया बेटा आपका माइनस के 2 ओमेगा और इसमें हो गया माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर और उसका भी क्या, होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा हो गया 4, तो ये 4 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब और उसका भी क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो कौन बचा केवल 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बेटा बताओ जरा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है तो इसको 1 प्लस ओमेगा की क्यू इंटू ओमेगा ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे ही इसको 1 प्लस ओमेगा की क्यू इंटू ओमेगा की क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख पाएंगे। 3 और 3 6 और 2 8 पावर हो गई। इसकी बात करूँ तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब हो गया, 1 प्लस ओमेगा क्यूब ये हो गया बेटा 1, 1 हो गया तो कौन बचा, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो गई माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस ये भी ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर से 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए भी लिख लिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए कर देता हूँ। क्वेश्चंस ये आसान है, इसमें कुछ नया नहीं है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू वहाँ से उठाएंगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर पहले से, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 2 बचा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू उठाएंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर, माइनस के ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करेंगे, ऐसे यहाँ से सॉल्व करके देखिएगा आराम से हो जाएंगे।
इसकी बात कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन आया था इतना, और उसको हमने सॉल्व करके बताया था कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। आप इसको देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या कितना आएगा माइनस के ओमेगा, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस के ओमेगा, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ कितना आएगा, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी। ठीक है, ये कितने गुणनखंडों तक है, 2n तक है, यानी कभी माइनस के ओमेगा स्क्वायर, कभी माइनस के ओमेगा, माइनस के ओमेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, माइनस के ओमेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से चलता चला जाएगा। हर दो को मैं एक बना दूंगा, हर दो को एक बना दूंगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस का, ये ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब, फिर आगे के दो भी ओमेगा क्यूब, फिर उससे आगे के दो भी ओमेगा क्यूब, और करते करते कहाँ तक, 2n थे, हर दो का एक कर दिया, दो का एक कर दिया, n प्लस n आइटम थे उनको एक कर दिया, यानी कितने आइटम बचे होंगे, n बचे होंगे, n तक, n गुणनखंडों तक। ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है बच्चे, 1 × 1 × 1, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 × 1, और 1 इतने अच्छे महात्मा जी हैं कि वो तो पूरे परमात्मा हैं, कितनी भी बार गुणा कर लीजिए और उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मापांक और कोणांक, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। कभी कभी कोणांकों को एम्पलीट्यूड भी ना कह करके इसका आर्गुमेंट कहा जाता है, आर्गुमेंट, ओके, ARG करके इसको डिनोट कर देते हैं। जानते हैं इससे पहले मापांक और कोणांक, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड को पढ़ने से पहले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये ज़रूर जानना होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है z = x + iy, ठीक है, इसका क्या मतलब है और इसको मैं ज्योमेट्री के रूप से कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। चलिए ऐसे नहीं, पूरा ले लेता हूँ। एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस, ठीक है। z जो है वो x + iy है, जो कि कोई p कोऑर्डिनेट है, p के ही निर्देशांक हैं, यानी p के कोऑर्डिनेट हैं x, y। ये रहा कोई पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। इस x, y तक पहुंचने के दो माध्यम हैं। पहला क्या, आप x पर कितना चले हैं ये पता हो, और y पर कितना चले हैं ये आपको पता हो। ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी x और ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी y। क्लियर ये वाली बात। अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम इसी तरीके से इस पॉइंट पर पहुंचते थे, लेकिन अब एक और रास्ता हमारे पास है। क्या, कि या तो एक बात तो ये, अब ये ऐसे समझिएगा, मेरे अपने कायदे के अनुसार समझाने का जो कायदा है उसके अनुसार मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ये कोई आतंकवादी बैठा हुआ था, अब तक की सारी सेनाएं क्या करती थी कि भैया उसको पकड़ के मारना पड़ेगा, कुछ और ऐसे है नहीं, तो ऐसे इधर से जाओ या यूं जाओ फिर यूं जाओ, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था अपने शत्रु तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब तो हमारे पास मिसाइल है, अब बस क्या करेंगे, हम मिसाइल को बता देंगे कि हमारा शत्रु इतने डिग्री के कोण पर है, ठीक है, यहाँ आके आ जाएगा थीटा, इतने डिग्री के कोण पर है, एंगल पर है, और इतनी डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहते हैं इसको, डी कहते हैं, चलिए ये जो डिस्टेंस है ये पता चल जाए और एंगल पता चल जाए, तो आप बताइए क्या शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं पहुँच गए आप, पहले आपको इतना भी ट्रैवल करना था फिर इतना ट्रैवल करना था, ठीक है, अब आप क्या हुए शॉर्टकट डिस्टेंस से बहुत तेज़ी से शत्रु के पास पहुंच गए, बस आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट उसका एंगल चाहिए लोकेशन के लिए और आपकी एग्जैक्ट दूरी चाहिए, और हम मिसाइल को टारगेट बना देते हैं। आजकल जो मिसाइल सिस्टम है, जो एरोप्लेन सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है, वो सब इसी सिस्टम पर फॉलो करते हैं, तो दैट्स वाई कि आपको पता भी चला हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने यूजफुल हैं, ओके। सो पी x, y कोई पॉइंट है P, वहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये x का है, ये y का है, तो ये D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा बेटा रूट में x² + y² रूट में x² + y² यही एक्चुअली में मापांक है, यही मापांक है किसका, z का, मॉडुलस z यानी मॉड z उसको कहते हैं, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x² + y² या यूं लिख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड उसका भी स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक अगर आपको फाइंड करना है
तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, अगर ये माइनस का वाई होता तो हम इस वाई को यहाँ ले लेते, माइनस के वाई को होल स्क्वायर कह देते, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ जेड इक्वल टू एक्स माइनस के आई वाई, तो भी मॉड जेड यानी कि उसका मापांक जो है वो कितना हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के वाई का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ये जो सिंबल है माइनस का उसको कहाँ लेंगे हम, वाई के साथ में लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, यानी ये वाला चिन्ह हमेशा प्लस का ही रहेगा। अब कोणांक क्या है, थीटा क्या है, ये भी समझ लीजिए। थीटा कुछ नहीं है, थीटा टेन की पदों में ये वैल्यू हमें फाइंड है, पता है, और ये वाली वैल्यू भी हमको पता है, और ये होता था परपेंडिकुलर, ये होता था बेस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता था, टेन में आता था, ट्रिग्नोमेट्री में। तो वहीं से हमने थीटा ले लिया, यानी टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपका आर्गुमेंट आ गया, एम्पलीट्यूड निकल करके आ गया, क्या आ गया कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, या यूं कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, यानी कोणांक किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक इक्वल्स टू टेन इनवर्स आई का गुणांक, कोफिशियंट ऑफ आई, और नीचे अचर पद या जो खाली है वो, यानी इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, ऐसे कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आपके समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाते हैं इस बात को। एग्जांपल देखिए, आपके सामने ये रखा जेड इक्वल्स टू, मान लीजिए 3 + 4i लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका एक तो मापांक निकालना बेटा, मापांक तो सीधा सीधा है, मापांक क्या होता है, मॉड जेड इक्वल्स टू कौन होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया, 5 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 25, 25 का रूट 5, यानी इसका मापांक आ गया बेटा z का 5। ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। अगर मुझे अब कोणांक निकालना हो, ठीक है, आर्गुमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो y की वैल्यू कौन है 4, और x की वैल्यू कौन है 3, तो लगा दीजिए 4 अपॉन 3, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मापांक ये रहा, कोणांक ये रहा, तो आपको मापांक और कोणांक निकालना आ गए होंगे, आई होप सो। और दो एक एग्जांपल क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसमें दो एक कंडीशन है और फिर उसके साथ साथ आपका एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट पी है, तो उसमें जो दोनों एक्स और वाई होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तब तो सीधी सीधी बात है कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी यही टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जो भी है, ठीक है, सीधा सीधा जो थीटा है वही आपका कोणांक है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका पॉइंट, पॉइंट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस की है और जो वाई की वैल्यू है वो प्लस की है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, पाई माइनस के थीटा हो जाएगी। किस में हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड में हो जाए तो दोनों ही कैसी होंगी वैल्यू, माइनस की हो जाएंगी, तो थर्ड में हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, इसका जो कोणांक होगा वो कितना हो जाएगा, कोणांक थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस के पाई माइनस थीटा। सेकंड में पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस के पाई माइनस थीटा। और अगर फोर्थ में बात आ गई प्लस और माइनस, तो फोर्थ में आपका जो कोणांक होगा वो आपका हो जाएगा माइनस के थीटा। क्लियर ये वाली बात, बात समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको सामने दिख रहा है, खुद ब खुद दिख रहा है कि ये यहाँ कौन सा एंगल होगा, पाई माइनस के थीटा होगा, ये थीटा है, ये यहाँ से नीचे रिवर्स की तरफ चलेंगे, ऐसे नापते हैं एंगल को, नीचे की तरफ नापेंगे, माइनस का थीटा होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस के पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए सामने रखा हुआ है आपके, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया माइनस का 1 माइनस के आई रूट 3, इसका मापांक भी निकालना है और कोणांक भी निकालना है। तो बेटा आप बता दीजिए ज़रा कितना आएगा इसका मापांक भी और कोणांक भी। तो देखिए मापांक क्या आएगा बेटा, रूट के अंदर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस के रूट थ्री का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वन, ये रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री हो जाएगा, यानी कि टू हो गया। इसका मापांक तो आ गया बेटा टू। कोणांक की बात करनी है तो कोणांक जो होता था वो थीटा इज इक्वल टू होता था टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो माइनस का रूट थ्री अपॉन माइनस का वन। दोनों कैसे आए बेटा, माइनस के निकल के आए, माइनस माइनस प्लस हो गया। दोनों कैसे थे, माइनस के थे, ये वाला लगेगा। इसके लिए कोणांक जो होगा वो कितना होगा बेटा, कोणांक होगा वो
माइनस के पाई माइनस के थीटा, क्लियर। तो थीटा निकाल दीजिए बेटा, थीटा निकालिए पहले, कितना हो जाएगा ये, टेन इनवर्स रूट थ्री बचा। टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू क्या होती थी बेटा, टेन सिक्सटी होती थी। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कीजिए, टेन साठ का मान होता था बेटा रूट थ्री, टेन से टेन खत्म, थीटा की वैल्यू आ गई सिक्सटी, ठीक है। तो माइनस के पाई माइनस सिक्सटी, सिक्सटी का मतलब सिक्सटी को भी बेटा पाई में चेंज कर लीजिए, पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री को कहते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, थ्री बन गया, थ्री में से बन गया टू पाई बाई थ्री, तो माइनस के टू पाई बाई थ्री, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस के टू पाई बाई थ्री इसका क्या होगा बेटा, कोणांक होगा। तो ये क्वेश्चन लिया, उसका मापांक हमने कैसे ज्ञात करते हैं ये फाइंड कर लिया, कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये फाइंड कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा का सीधा थीटा ही उसका कोणांक हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस के पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस के थीटा करके उसके कोणांक को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप सो के आज के इस लेक्चर में आपको मापांक और कोणांक निकालना आ गया है समझ में, इकाई के घनमूल और ओमेगा के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है। और इसके बाद थर्ड वीडियो में हम इसके पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप की बात करेंगे, और साथ ही साथ में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये बात करेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से 11th क्लास के अपने एस्पिरेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चली हुई है, और उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करते चलिए, वो 9th और 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, उसको पूरा अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत विस्तृत मैथमेटिक्स है, और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, आपका 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट उसमें आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।